नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। तो सोनभद्र पर संग्राम, आप देखिए 17 जुलाई को जो हुआ सोनभद्र में, 10 लोगों की हत्या कर दी गई जमीनी विवाद में, उसके बाद ऐसा लगा जैसे गिरफ्तारियां होने लगी और ये मामला कहीं ना कहीं संभल गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल कांग्रेस की महासचिव पहुंची और उसके बाद ये पूरा मामला बदलता हुआ दिखाई देने लगा। प्रियंका ने कहा कि हम पीड़ितों से मुलाकात करेंगे ही और मुलाकात करके ही जाएंगे। क्या कुछ हुआ इस पूरे घटनाक्रम में, कहीं ना कहीं जो प्रियंका गांधी है उनकी जीत। अब्बास नकवी ने कहा कि घिसी पिटी पटकथा है, सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि पर्यटन है और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नाटक है। भाजपा के इन तीनों नेताओं का बयान ये दर्शाता है कि सोनभद्र नरसंहार के दोषियों को संरक्षण भाजपा ही दे रही है। अब ये साबित हो गया, अंधेर नगरी चौपट राजा है आदित्यनाथ सरकार, मानवता की हत्या हो रही है और आप उसे नाटक बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भाजपा के नेताओं को, क्योंकि उन्होंने संवेदनशीलता और मानवता दोनों खो दी है। हमारा ये कहना है, अगर सोनभद्र जा श्रीमती प्रियंका गांधी उन पीड़ितों को गले से लगा, उनके आंसू पोंछती और न्याय की गुहार लगाती, तो क्या ये पाप है? प्रियंका जी से पूरी भाजपा भय क्यों खाए है, इतना डरी क्यों है? ये जिसने साफ तौर पे कहा कि ये तीनों नेताओं ने जिस तरह से बयान दिए हैं ये पूरी तरह नाटक है क्या? तो देखिए ये पूरा मसला आप समझिए और आप देखिए कि परिजनों से मुलाकात जरूर हो गई है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की, जिसके बाद ये मामला सियासी तौर पर गर्मा गया है। प्रियंका गांधी ने मिर्जापुर के चुनार गेस्ट हाउस में रात गुजारी। प्रियंका गांधी से मिलने एडीजी वाराणसी समेत कमिश्नर तक पहुंचे, उन्हें बहुत समझाने की कोशिश हुई लेकिन उन्होंने किसी की एक नहीं मानी। प्रियंका गांधी के इस धरने पर डिप्टी सीएम ने भी ट्वीट किया। रोका गया, उसी समय मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि 144 का उल्लंघन है, उसका उल्लंघन करने के बिना मैं आपके साथ गाड़ी में बैठ के दो लोगों को लेके जा सकती हूँ, नहीं तो कहीं पे जहाँ भी आप कहें, चाहे मिर्ज़ापुर में, चाहे सोनभद्र में, चाहे बनारस में, जहीं जहाँ भी आप कहें मुझसे मिलवा लीजिए। मेरा मकसद यहाँ आने का ये था कि मैं मिल लूँ, मैं जब मिलूँगी तो मैं चली जाऊंगी। जा रही हूँ, जब मैं जाने लगी तो मुझे उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया, बोला कि आप अरेस्ट हो गए हैं और यहाँ पे ले आए, तब से मुझे यहाँ पे रखा है। शायद कल 11 बजे थे, अब 24 घंटे हो गए। जब तक मैं उन परिवारों के सदस्यों से नहीं मिलूंगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैंने उनसे भी कहा है अगर कोई तरीका वो ढूंढना चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ या कहीं और मिलूँ, सोनभद्र न जाके कहीं और मिलूँ, तो भी मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं बगैर मिले यहाँ से। आप लोग ये पीड़ित परिवार के रिश्तेदार आए हैं गांव से मेरे से मिलने, ये दो जने हैं इनको आने दिया है, बाकी 15 जने वहाँ हैं मेरे से मिलने आए हैं। पीड़ित परिवार के सदस्य हैं, जिनसे मैं मिलने आई थी वो मेरे से मिलने आए हैं, उनको भी गेट पे रोका जा रहा है, इसीलिए मैं जा रही हूँ वहाँ पे रोकने के लिए। अब मुझे रोका जा रहा है तो मैं कह रही हूँ कि उनको आने दीजिए, वो इतनी कष्ट में यहाँ आए हैं, कम से कम मेरे से मिलने तो दीजिए। मैम क्यों प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? भगवान जाने उनकी क्या मानसिकता है। और ये देखिए कांग्रेस नेताओं का जो डेलीगेशन पहुंचने वाला था प्रियंका गांधी के पास, उनको रोक लिया गया है। राजीव शुक्ला हैं, राज बब्बर हैं, जितेंद्र हुड्डा हैं, इन सबको रोक लिया गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जितिन प्रसाद भी मौजूद हैं, इन सबको रोक लिया गया है यहीं पर। एक तरफ प्रियंका गांधी ने मुलाकात कर ली है परिजनों से, दूसरी तरफ जो डेलीगेशन था उनको रोक लिया गया है। तो देखिए इस पूरे मसले पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये सब कुछ जो हुआ है यूपी की राजनीति में, उसमें क्या कुछ बातें सामने आई है। देखिए ये प्रियंका गांधी की तस्वीरें उस वक्त की जब उन्होंने ये कहा था कि मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, खाना नहीं खाऊंगी जब तक इन लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। हालांकि प्रियंका गांधी की कहीं ना कहीं समझिए आप इस मामले में जीत हुई। प्रियंका गांधी ने परिजनों से मुलाकात कर ली है और अब इस पर ट्विटर वॉर भी शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने कहा है दलित और आदिवासियों की जीत हुई है, बहन प्रियंका को लेकर राहुल का ट्वीट भी सामने आया है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन सब मामले में जो बीजेपी है उसको क्या मिला और आखिर प्रियंका गांधी ने अब जब मुलाकात कर ली है पीड़ितों से
तो क्या हो जाएगा, पीड़ितों को किस प्रकार की सुविधा मिल जाएगी और यूपी की राजनीति में इसका क्या फर्क पड़ेगा? क्या हम ये माने कि प्रियंका गांधी ने यहाँ पे एयरपोर्ट पे आते ही उन्होंने डिटेन किया, यहाँ पे गिरफ्तार किया, फिर काफी बहसा बहसी के बाद अब चुनार जाने दे रहे हैं। देखिए ये राजीव शुक्ला जिनका ये कहना है कि काफी बहस के बाद अब हमें जाने दे रहे हैं, ये कहना है। और कहीं ना कहीं देखिए इस पूरे मामले पर अब तो चलिए इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे और मेरे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले आपको बताऊं नवीन श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है। आज वो पीड़ा और दंश न झेलते जो मॉब लॉन्चिंग उनके साथ हो रही है, तो उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी तो सरदार पटेल और नेहरू की थी कि धर्मनिरपेक्ष में मुसलमान लोग रुके थे। क्या कहें, देश की व्यवस्था मामले पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। गौतम राणे सागर जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है पीएसपीएल के। साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ वीरेन सिंह जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस डिस्कशन में, इस चर्चा में, इस दोपहर वॉर में। तो सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी नवीन जी, आप एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव हुआ उसमें आपने सुपड़ा साफ कर दिया, यूपी में सुपड़ा साफ कर दिया, कांग्रेस को आपने बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन एक प्रियंका गांधी आई तो आप डर गए और उनको मिलने तक नहीं देने लगे। क्या कर दिया ये आपने, क्या लग रहा है, क्या देख रहे हैं इस घटना को? देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतनी दर्दनाक घटना पर इस प्रकार की शर्मनाक तरीके से राजनीति हो रही है। प्रियंका जी आई जो उस घटना में घायल थे, बीएचयू के अस्पताल में भर्ती थे, वहां गई, वहां उनसे मिली, कहीं किसी ने नहीं रोका। लेकिन आप एक बात बताइए, प्रियंका गांधी एसपीजी प्रोटेक्टेड वीवीआईपी हैं, उनका कहीं भी दौरा होता है उसके लिए स्थानीय प्रशासन को बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, सुरक्षा व्यवस्था भी करनी पड़ती है। आप ये बताइए कि सोनभद्र के प्रशासन की प्राथमिकता आज के तारीख में उस घटना के अपराधियों को गिरफ्तारी करना है या प्रियंका जी को राजनीति करने के लिए जो वहां जा रही है उनको सुरक्षा देना? अच्छा मतलब आप लोग भी जहां जहां मिलने के लिए जाते हैं पीड़ितों से आप लोग भी राजनीति करते हैं, ये मान लिया जाए आपकी इन बातों से? देखिए दसियों ऐसी घटनाएं हुई हैं मैडम, मैं आपको बता दूं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन ने, चाहे हम विपक्ष में रहे हो चाहे जो भी विपक्ष में हो, प्रशासन ने धारा 144 लगा के, आप देखिए मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, अयोध्या में श्री राम मंदिर का सुन लीजिए, तो सोनभद्र तो जा रही थी और कहाँ जा रही थी उनको तो ये भी पता नहीं, सोनभद्र जाना है कि मिर्जापुर जाना है? मुलाकात कर देते, प्रियंका गांधी ने तो ये भी कहा ना कि आप पीड़ितों को बुला दीजिए, मैं यही पे मुलाकात कर लूंगी। ये बात सही है, ये बात सही है, कल आप भी कहें कि पीड़ितों को बुला दीजिए तो प्रशासन उनको सोनभद्र से ले आके आपके स्टूडियो में ला दे। अरे कांग्रेस, हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी का तो कोई कार्यकर्ता बचा नहीं है, जो कोई कार्यकर्ता जाकर उनको कहता कि चलिए प्रियंका जी से आप मिल लीजिए। प्रशासन के जिम्मे इस समय यह काम नहीं है कि वो पीड़ितों को ले आके प्रियंका गांधी से मिलाए, प्रशासन के जिम्मे इस समय यह है कि वहां के जो लोग, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उन अपराधियों को खोज करके पकड़ के कानून के हवाले करें, यह हमारी पार्टी है। ठीक है नवीन जी, बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, आपके पास आऊंगी। गौतम राणे सागर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम जी, ऐसा लग रहा है कि जो सोनभद्र में घटना हुई, जो लाशें बिछी, जो हत्या हुई, जो नृशंस घटना हुई, उसको कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए प्रयोग कर रही है, ये एक मतलब राजनीतिक फायदा लेने के लिए कोशिश की गई है ये, और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी कामयाब हुई है? देखिए धूर्तता की कोई पहचान तो होती नहीं कि फला नाक होगी, फला कान होगा, फला आंख होगी, तो आप समझ लीजिए कि ये व्यक्ति धूर्त होगा और धूर्तता की बात कर रहा है। ये लैंड ऑफ, ये जो है ला ऑफ लैंड है कि नहीं हमारा देश? अगर ला ऑफ लैंड हमारा देश है तो निश्चित तौर पे लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में किसी को भी दुख दर्द में शामिल होने का, शरीक होने का अवसर मिलता है, मिलना चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुन लीजिए, अभी अधैर्यता का तो प्रश्न ही नहीं उठा। नहीं, प्रियंका जी ने जो दिखाया है वो थोड़ा सा वेट कर सकती थी स्थिति सही होने के लिए। प्रियंका ने जो दिखाया है, अगर स्थिति वेट करने की ही बात हो रही, दो साल से तो वेट कर रहे थे वो, जो अभी जो है उन्होंने अपनी जान गवाई है, दो साल से वेट कर रहे थे न्याय का, और इस घटना को एक महीना पहले पूरी तरह से एसपी तक के संज्ञान में था और वो वेट करते करते आज कब्र में चले गए हैं।
कितना वेट कराएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से ये कानून व्यवस्था पंग है, ठीक है, लचर है, ध्वस्त है, और जो लोग बैठते हैं यहाँ धूर्तता के शब्द गढ़ते हैं। अगर कोई जाकर के ये पूछ लेता कि भाई जब उन्होंने ये कहा कि धारा 144 लागू है तो धारा का प्रयोग कर रहे हो, धूर्तता करो, गौतम राणे शब्दों की मर्यादा नहीं पता तो चैनल मत बैठा करो। इन, 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 इनका अगर मानसिक संतुलन ठीक ना है तो इनकी आवाज बंद करो। मानसिक संतुलन तुम्हारा खराब है और तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, कायदे से बात करिए, कायदे से तुम बात करना शुरू करो, कायदे से तुम बात करो, हम अपनी बात कर रहे हैं, कायदे से बात करना शुरू करो, तमीज तक नहीं उसको बात, तुम्हें तमीज नहीं है नवीन जी, किसी के बाद में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लोग हत्या कर रहे हो, आप लोग चलो गुंडे हो, हम यही तो कह रहे हैं ये लोग गुंडे हैं सर प्लीज, ये लोग नहीं आप सुन लीजिए, ये लोग गुंडे हैं क्षेत्र में, गुंडा अपनी गुंडागर्दी करते हैं, नहीं नहीं शब्दों के कितनी मर्यादित शब्दों का हम प्रयोग कर रहे थे, कितने मर्यादित शब्दों का हम प्रयोग कर रहे थे, जरा बता दीजिए कौन सा अमर्यादित शब्द हमने प्रयोग कर दिया था। आपने धूर्त कहा ना तो उन्हें वो चीज लग रही है कहीं ना कहीं। देखिए सर शब्दों की मर्यादा रखे सर अपनी बात कंप्लीट करें ना प्लीज। नहीं धूर्त क्या शब्दकोश में आता नहीं क्या, दिक्कत यह कि विपक्ष से कोई आता नहीं है, यह सब धूर्त शब्दकोश में आता नहीं क्या, हमने ये हम मुद्दे से नहीं भटक रहे, मुद्दे से भटकने वाले रोगों को रोकिए, लोकतंत्र के हथियारों को रोकिए, गुंडों को रोकिए, हम अपनी बात कर रहे थे कि निश्चित तौर पे उनको जाने, अगर ये कहा गया कि जो धारा 144 आपने लगाया तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि अगर धारा 144 लगाया है तो निश्चित तौर पे आप अपनी गाड़ी लीजिए, हम तीन लोग चले चलते हैं, कौन सी बुरी बात हो गई, क्या आपको ये लग रहा था जो करतूत आपने किया है उसका खुलासा हो जाएगा, ये भय सता रहा था क्या आपको। चलिए ठीक है, इसका जवाब नवीन जी से जरूर लेंगे, वीरेन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेन जी, इस पूरे घटनाक्रम में जिस प्रकार से जो तरीका प्रियंका गांधी ने अख्तियार किया वो कहां तक सही है, और क्या ये एक मौका परस्ती दिखाई गई है कांग्रेस की तरफ से, या फिर योगी सरकार जो ये कहती है कि हमने अपराध पर कंट्रोल कर लिया है, संभल की और सोनभद्र की जो घटना है उसने तो खुलकर बता दिया कि भाई क्या है लॉ एंड ऑर्डर। देखिए विपक्ष में जो विपक्ष की जो पार्टियों का जो काम होना चाहिए वो प्रियंका गांधी अपना काम कर रही है, जो योगी सरकार है जो सत्ता में सरकार की जो जिम्मेदारी है सर अगर कोई घटना घटी है तो उसके दोषियों को सजा दी जाए। लेकिन नवीन जी भी बात स्वीकार करेंगे कि 2.5 साल में ये सबसे बड़ा क्राइम है उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार में, इससे पहले इतना बड़ा क्राइम योगी सरकार में नहीं हुआ कि एक साथ 10-10 लाशें बिछा दी गई हो। तो अब ये चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन प्रियंका गांधी एक राजनीतिक व्यक्ति है, देश की सबसे बड़ी पार्टी एक जमाने में रही है उनकी पार्टी, उसकी वो लीडर है, गांधी फैमिली से है, और अगर वो मिलने जाना चाहती तो मिलने जाना चाहिए, तमाम और पार्टियों के लोग जा रहे हैं भाई, जिसकी आज लाइन ऑर्डर बिगड़ने की इतनी चिंता है तो जब गोली चली तो जो अधिकारी जिम्मेदार थे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो समस्या इस बात की है कि अब बातें राजनीतिक रूप ले रही हैं, जो जिनको जिनको राहत मिलनी चाहिए, जिनके घर के लोग मरे हैं उनको सांत्वना मिले वो ठीक बात है, लेकिन राजनीति जिस तरह से हो रही है ये दूसरी दिशा में जा रहा है मामला कि कौन लाभ ले, कौन नफा में रहे, कौन नुकसान में रहे। बिल्कुल, और प्रियंका गांधी ने लगातार इसको एक आंदोलन बना दिया तो स्वाभाविक है कांग्रेस को तो इससे फायदा हो ही रहा है। अब बीजेपी की रणनीति क्या है, बीजेपी की रणनीति चूक है ये कि उनको इतना स्पेस क्यों दे रहे हैं, इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, ये तो ये लोग देखे, इनके रणनीतिकार भी है, इनके मंत्रीगण है, तो ये बात तो कहीं ना कहीं अब ये बीजेपी के लोगों को तय करना होगा कांग्रेस को और कितनी देर मौका देंगे आंदोलन करने का। बिल्कुल नवीन जी, देखिए जब सवाल तो ये एकदम वाजिब है और सवाल एकदम करेक्ट है, आज लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने की बड़ी परवाह हो रही थी आप लोगों को जब प्रियंका गांधी पहुंची, उसके पहले आपका लॉ एंड ऑर्डर कहां था, जब एक घंटे तक लगातार अंधाधुंध फायरिंग होती रही और अगले दिन आपके डीजीपी ओपी सिंह कहते कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमने 27 लोगों को पकड़ लिया है। खुशबू जी देखिए निश्चित रूप से वहाँ कानून व्यवस्था की कमी थी जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन क्या एक बार कानून व्यवस्था की कमी के कारण इतनी बड़ी घटना घट गई तो उस आधार पे हम लगातार कानून व्यवस्था को छोड़े रहेंगे। देखिए असली चीज है खुशबू जी, आज कांग्रेस चाहे हमारा विपक्ष है, आप ये बताइए कि अगर गरीबों को भूमिहीनों को उनका वाजिब हक मिला होता तो इस देश में नक्सलवाद
माओवाद पैदा नहीं होता। तो बाजी वो जवाहरलाल नेहरू आके दिला देंगे जो 1955 का जिक्र कर रहे थे योगी आदित्यनाथ। खुशबू जी हाँ सर कंप्लीट आप बहुत योग्य। चलिए नवीन जी से हम इस सवाल का जवाब जरूर लेंगे। तो गौतम जी देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ मनोज पांडे भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सर भारत समाचार पे। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इस पूरे सिनेरियो को किस प्रकार से देख रहे हैं? एक घटना हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी अपराधियों ने, 10 लोगों की हत्या कर दी गई और अब इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी ने कह दिया भाई हम तो मिल के रहेंगे और उन्होंने मुलाकात कर ली है पीड़ितों से। क्या मिलेगा इससे पीड़ितों को और क्या लॉ एंड ऑर्डर के लिए अब सरकार थोड़ा और ज्यादा गंभीरता से काम करेगी? देखिए लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभी हम लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करते, लॉ एंड ऑर्डर की बात इसके बाद करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का काम एक विसिल ब्लोअर का होता है, तो कोई भी विपक्ष का व्यक्ति अगर इतने बड़े मुद्दे को उठा रहा है तो निश्चित रूप से वो विपक्ष की अपनी भूमिका अदा कर रहा है। इसमें कोई बहुत ज्यादा न तो हाय तौबा करने की जरूरत है न कोई बहुत सोचने की जरूरत है। बीजेपी ने इसे हाय तौबा किया, बीजेपी ने चीजों को बढ़ाया इस पूरे मामले में। देखिए स्वाभाविक है जो भी सत्ता दल में रहता 70 सालों में कोई ऐसा नहीं कि ये राजनीतिक दल पहली बार आया हो जो बैठ रहे हो वो न रहे हो। देखिए घटनाएं होती हैं और विपक्ष का काम जो भी तत्कालीन सत्ता हो, सत्ता निश्चित रूप से हमेशा बैकफुट पर ही रहती है क्योंकि घटनाओं के पीछे हमेशा अपराध के पीछे जरजोरू और जमीन की बात होती है। तो ये हत्या भी एक किसी न किसी इन्हीं तीनों के किसी न किसी कारण से है और हत्या के हम लोग विध के विद्यार्थी हैं, विध के शिक्षक छात्रों को पढ़ाते भी हैं। तो हत्याओं अपराधों के मामले में एक बात बड़ा स्पष्ट होता है कि अपराधी चाहे सरकार किसी की बना ली चाहे जितना लॉ एंड ऑर्डर बना लीजिए, कई देशों के उदाहरण है यहाँ हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे कि जहाँ अपराधियों को सजा देने के लिए पत्थरों से मारने के लिए लोगों को इकट्ठा किया जाता था वहां भी अपराध हो जाते थे। अपराध तो होते हैं लेकिन जो सजा होती है अपराधों के रोकथाम के लिए होती है और लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है कि निश्चित रूप से सरकार की उन कमियों को उठाए जिनके कारण ऐसे अपराध हो रहे हैं, तभी 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 सरकार भी सचेत रहती है। रहीम ने भी कहा कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, और अगर सरकार इससे कहीं घबराती हो तो हमें लगता है कि ये उचित नहीं है और सरकार को निश्चित रूप से बड़े कदम भी उठाने चाहिए। उन्हें जो भी संबंधित अधिकारी है एक समाज में संदेश भी देना चाहिए कि वहां जो भी आला अधिकारी है अब तक उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी कर देनी चाहिए। ठीक है सर। गौतम जी देखिए इस पूरे मसले पे अगर प्रियंका गांधी का एंगल देखें हम, प्रियंका गांधी आती हैं उनको इन पीड़ितों की बहुत चिंता थी लेकिन ऐसा बहुत ऐसा बंगाल का अगर आप मामला देखें हर दिन वहां पर 4 से 5 कार्यकर्ताओं की। चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बताए हैं, आनंदीबेन पटेल यूपी की राज्यपाल बनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आनंदीबेन पटेल यूपी की राज्यपाल बनी है। तो तमाम कयास जो लगाए जा रहे थे उन अटकलों को मुहर लगी है और राम नाईक की यूपी से विदाई और लालजी टंडन एमपी के राज्यपाल बने हैं। आनंदीबेन पटेल यूपी की राज्यपाल, मध्य प्रदेश के लालजी टंडन मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है गवर्नर के तौर पर और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल बनी है उत्तर प्रदेश की। राम नाईक जिन्होंने कि अपना कार्यकाल कंप्लीट किया 22 जुलाई को कार्यकाल पूरा और अब आनंदीबेन पटेल यूपी की नई राज्यपाल, नई जिम्मेदारी। और कुमार पुष्कल हमारे साथ हमारे संवाददाता, तो कुमार पुष्कल आनंदी पटेल को बड़ी जिम्मेदारी बनी है मिली है, यूपी की राज्यपाल बनाई गई हैं। बिल्कुल ये बड़ी खबर है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कुछ दिनों पहले राम नाईक जी दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने तमाम जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, अमित शाह से मुलाकात की थी, औपचारिक मुलाकात थी। उसके बाद समझा जा रहा था कि इन्हें एक्सटेंशन मिल सकता है लेकिन फिलहाल आज एक बड़ी खबर जरूर है, गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को यूपी का राज्यपाल बनाया गया है। ये फिलहाल राज्यपाल भी थी और इन्हें बड़े सूबे का राज्यपाल बनाया गया है। बिल्कुल बड़े सूबे का राज्यपाल बनाए गए हैं, निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी भी है पुष्कर, ये कहीं ना कहीं प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी आनंदीबेन पटेल को दिया गया है क्योंकि यूपी राजनीति के रूप से बहुत बड़ा सूबा है और जिस तरह से राजनीति यहाँ होती है कहीं ना कहीं उन्हें बनी रही है। हमारे साथ वीरेन जी भी, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए। वीरेन जी नई जिम्मेदारी मिली है आनंदीबेन पटेल को, किस तरह से देख रहे हैं, जिम्मेदारी क्या होंगी, प्राथमिकताएं क्या होंगी सर?
देखिए उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा स्टेट है और आनंदीबेन पटेल को माना जाता है कि जब मोदी सरकार थी तो उनकी बहुत करीबी मंत्रियों में थी और बहुत विश्वस्त थी और उनको बाद में फिर मध्य प्रदेश भेजा गया। अब उनको बाकी कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश लाया गया है और 22 तारीख को यूपी के राज्यपाल राम नाईक का कार्यकाल समाप्त हो रहा है यानी परसों जी। और सबसे बड़ा परिवर्तन एक और देखने को मिला है कि लालजी टंडन को मध्य प्रदेश भेजा गया है बिहार से और उत्तर प्रदेश के लिए एक और बहुत बड़ी खबर है कि फागु चौहान जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता हैं और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं उनको बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश की लगातार पूछ बढ़ रही है यहाँ के जो नेता है पहले अभी देखिए कहा जाए पांचवें व्यक्ति होंगे फागु चौहान जो राज्यपाल बनाए गए हैं कल्याण सिंह और लालजी टंडन कलराज मिश्रा इसी तरह से फागु चौहान। तो ये बड़ा नाम आज सामने आया है कि भारत सरकार ने नए राज्यपालों की नियुक्ति की है तो यूपी के लिए बहुत सुखद खबर है क्योंकि यूपी को एक नया राज्यपाल मिला है साथ ही यूपी का एक और नया राज्यपाल देश में एक नए राज्य में बिहार में बनकर जा रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वीरेन जी जो एक फैसला लिया गया आनंदीबेन पटेल को इस सबसे बड़े सूबे का राज्यपाल बनाया गया है तो इस पूरे फैसले में कहीं ना कहीं आनंदीबेन पटेल के लिए प्राथमिकताएं क्या हो जाएंगी वीरेन जी और किन चीजों पर नजर सबसे ज्यादा उनको रखनी होंगी? देखिए ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है वो बहुत करीब है बहुमत के बहुत निकट से है तो वहाँ पर भविष्य में एक ऐसा राज्यपाल को बीजेपी की जरूरत थी बीजेपी को कि जो कड़े फैसले ले सकता हो और अगर सरकार अल्पमत में आए तो वहाँ पर राजनीतिक स्थितियाँ बदलें तो उन पर कंट्रोल कर सकता हो। तो आनंदीबेन पटेल इन सब विवादों से अलग रहना चाहती होंगी क्योंकि यूपी में उनकी गवर्नमेंट है बीजेपी की तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर किसी प्रकार से सरकार और राजभवन के बीच कोई टकराव की स्थिति नहीं है ना ही निकट भविष्य में कोई ऐसी संवैधानिक स्थिति खड़ी होने वाली है। तो आनंदीबेन पटेल एक शांतिप्रिय ढंग से चुपचाप अपना यूपी जैसे स्टेट में अपना कार्यकाल बिताएंगी और बिहार को बिहार से निकलकर अब लालजी टंडन जो कि यूपी में मंत्री रहे हैं सांसद रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सीट से अब बिहार के राज्यपाल थे तो एक मजबूत आदमी को मध्य प्रदेश भेजा गया है और वहां पर भविष्य में राजनीतिक घटनाक्रम जब बदलेगा तो राज्यपाल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा लगता है इसी वजह से ये परिवर्तन किया गया है। बिल्कुल। तो वीरेन जी कहीं ना कहीं जो आने वाला समय है उसको देखते हुए तमाम ये फैसले लिए गए हैं और सोनभद्र से प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देखिए ये 22 जुलाई को नाईक का कार्यकाल पूरा होगा और वीरेन जी एक सवाल ये भी था कि जो राज्यपाल होती है उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कई मामलों में और ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो भी फिट बैठना चाहिए। ऐसे में अगर हम बात करें अपने मुख्यमंत्री की और साथ ही नए राज्यपाल की अगर बात करें तो किस तरह से कॉम्बिनेशन हिट होगा वीरेन जी? देखिए जब दोनों जगहों पर केंद्र में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और आनंदीबेन पटेल को मोदी सरकार में वो मंत्री रह चुकी हैं और उनको नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश के लिए तो कोई टकराव की या टकराहट की स्थिति दिखाई नहीं देती है और उत्तर प्रदेश में राम नाईक का जो कार्यकाल रहा है पिछला 5 साल का वो भी बेहद शानदार रहा है। उन्होंने महाविद्यालयों और यूनिवर्सिटियों को रेगुलाइज करने में कुलपति सम्मेलन कराने में पाठ्यक्रमों को एक समान बनाने में बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लिए और पारदर्शिता बरतने की कोशिश की गई तो यूपी में आनंदीबेन पटेल के आने से और स्मूथ होगा क्योंकि राजभवन की देखिए ज़्यादा भूमिका तभी होती है जब कोई संवैधानिक स्थिति ऐसी बने कि सरकार अल्पमत में हो सरकार को गिरने का खतरा हो या कोएलिशन की गवर्नमेंट हो। माननीय योगी जी की तरफ से जो पक्ष है वह संपूर्ण कार्रवाई हो गई है एक भी मुलजिम जितने मुलजिम दोषी हैं वह गिरफ्तार हो चुके हैं जो अधिकारी थे वो सभी निलंबित हो चुके हैं जो अपना पक्ष है वह सभी पक्ष हो चुके हैं पूरा हो चुके हैं। बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री त्वरित कार्रवाई मतलब डीएम से लेकर त्वरित कार्रवाई हुई है कोई विलंब नहीं हुआ जितना जल्दी त्वरित कार्रवाई है घटना 1955 से लेकर प्रशासन को जाके मुलाकात की थी उनसे कहा था कि इस तरह घटना घट सकती है उसके बावजूद कोई व्यवस्था नहीं हुई क्या ये बात सही और आप लोग गए थे क्या मिलने प्रशासन से? प्रशासन से मिलने हम नहीं गए थे प्रशासन
खुद उनके दबाव में आकर हमको गिरफ्तार करने के उसी ये था कि जो हम लोग पैरवी करते हैं उसका कि इन लोगों को गिरफ्तार कर दें, इसके बाद बाकी लोग वहाँ पहुँचते हैं तो हम अपना जमीन कब्जा कर लेंगे। तो प्रशासन जब हमको फ़ोन कर रहा था, प्रशासन से हमने कहा, हमें और एक लोग और गाँव में हैं कैलाश, मौके से आए भी हैं, कहा कि ऐसा है कि रामराज कैलाश तुम दोनों लोग आ जाइए थाने पर और जो जमीन का विवाद चल रहा है उसका समाधान हो जाएगा। तो हमने कहा सर ये बताइए ये न्यायालय मैटर चल रहा है, न्यायालय से क्या कोई आपको आदेश है कि आप थाने में आ जाएंगे तो जमीन का विवाद निपट जाएगा? अभी न्यायालय में तो विचाराधीन है। जो आप पूछ रहे हैं कि अगर जी, प्रशासन जी, जी, को इतला की गई थी तो डेढ़ महीने से ये प्रशासन को एक्चुअली पूछ रहे हैं कि इस जमीन पे ये समस्या है। आप कह रहे थे ना कि डेढ़ महीने से जी कह रहे थे ना, अब एक डेढ़ महीने से आप प्रशासन को कोशिश कर रहे थे कि उनको बताने की यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब मामला है। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई फिर ऐसा लग रहा है कि क्या प्रशासन की सहमति से साजिश से हो रहा था ऐसा? जी आप जी क्या कहना चाह रहे हैं? जी ये पूरे सहमति पूरा हमारे गांव जानता है कि पूरे जिला प्रशासन आल टू आल जितने अधिकारी हैं सब उनके दबाव में, सारी बात को सारे लोग जानते थे कुभा में ये होने वाला है। जिस दिन घटना घटी है उस दिन सुबह में 7-8 बजे के लगभग में थाने से फ़ोन आता है हमारे मोबाइल पे कि रामराज और फलाने दो लोग आ जाइए थाने पे और आप लोगों से बात कर रहे हैं, बड़े साहब याद कर रहे हैं। हमने कहा सर आज हमें सुनने में आ रहा है कि अगल बगल से वो लोग कब्जा करने के आ रहे हैं, तो कह रहा है कि नहीं पर अभी जब तक हम लोग नहीं कहेंगे तब तक वहाँ कोई नहीं जाएगा, आप लोग चले आइए। हम कहे सर हम नहीं आएंगे, प्रशासन जो है कि आ जाए यहाँ मौके पे गांव पे, क्योंकि दो के मामला नहीं है, ये पूरे गांव भर के मामला है। आप पोजीशन पे आ जाएंगे पूरे गांव रहेगा, आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा, क्योंकि हमारे ये नहीं देश ना आज़ाद होने के पूर्व से हमारे पूर्वजों ने उस ज़मीन को बनाया है, ना कि पटना बिहार जहाँ की वो सोसाइटी जो बनाया आज चल रहा है सोसाइटी आदर्श कोऑपरेटिव, ये पटना बिहार के मुजफ्फरपुर के वो लोग नहीं आके यहाँ जंगल काटें या ज़मीन बनाए, हमारे पूर्वजों ने बनाया है। तो आप मौके से आ जाइए गाँव में और जैसा आप लोग सहमति बनेगा गांव का वैसा काम आगे होगा, कब्जा मिलेगा। लेकिन आप जांचे बिठवाइए, क्या आपको भरोसा है प्रशासन जांच है? हमें मैडम थोड़ा आगे आइए प्लीज कि गांव वालों पे महिलाओं पे भी प्रशासन द्वारा तमाम मुकदमे जारी किए गए हैं, तो काफ़ी ऐसी महिलाएं भी हैं जिन पे फर्जी मुकदमे जारी किए गए हैं। आप बता रहे थे कि काफ़ी गांव वालों पे इस तरह की चीज़ इस तरह के फर्जी मुकदमा हमारे गांव के लगभग 90-95 लोगों को एक आदमी 3-4 दफ़ा जो है कि पुलिस केस लगा करके न्यायालय में भेज दिया गया है। आज तक हम लोग अपना जमानत भी नहीं करवा पाए हैं, जो कि झूठा कभी भी उनसे हमारा कभी जो प्रधान से आज गोलीबारी बंदूक से हमारे लोगों को मार दिया गया उस प्रधान से मुलाकात पोजीशन में हुआ है तो 17 तारीख को हुआ है, ना ही तो कोर्ट में थाने में उसी जगह मुलाकात हुआ है, कभी भी नहीं हुआ। लेकिन वो थाना उनकी मुट्ठी में उनके दबाव में है, जो एक एप्लीकेशन लिख के 35-40 लोगों का नाम दे दिया, उनके नाम से मुकदमा लिख करके न्यायालय में भेज दिया जाता है। एक गुंडा है। आपकी मुलाकात हो गई, अब आपकी डिमांड है उन लोगों से बात करने की, क्या है? इन्होंने मुझे बताया और 5-6-7 लोग हैं कि हम लोग गुंडा एक्ट भी हम लोगों के ऊपर है, अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। गुंडा एक्ट हम लोग का है, मुलजिम बना हुए हैं उसमें, इसके पीछे जी 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 पूरे। तो आप ये पूरा मसला देख रहे हैं, समझ रहे हैं, भारत समाचार आपको एक एक रिपोर्ट एक एक बातें सुना रहा है और इस पूरे मसले पर हम लगातार डिस्कशन भी कर रहे हैं। लगातार मेरे साथ सारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं और नवीन जी भी जुड़े हुए हैं, गौतम जी, मनोज पांडे और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेन जी भी जुड़े हुए हैं लगातार सब लोग। और देखिये जो गौतम जी मेरा आपसे एक सवाल ये बन रहा था कि जो प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची है और जिन पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, निश्चित तौर पर देखिए घटना हृदय विदारक रही है, सवालों के घेरे में लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन ऐसी घटनाएं तो बंगाल की अगर आप बात करें चुनाव के वक्त से, अगर आप देखें हर दिन 4-5 जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के टीएमसी की मौत हो रही है, कभी प्रियंका को तो ये नहीं देखा, क्या वहां पर जो लोग हैं वो पीड़ित नहीं हैं? या आखिर यहीं पर क्यों ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि प्रियंका की ये जो संलिप्तता है इसमें, क्योंकि उनको लॉन्च कराना है कुछ से इसलिए? इसका मतलब ये आपको लग रहा कि बंगाल की घटना के तुलना में सोनभद्र की घटना बहुत छोटी है?
नहीं आपको आपको ऐसा ही लग रहा है? नहीं आपको, मुझे ऐसा नहीं लगा सर। मेरा सवाल है क्या वो पीड़ित पीड़ित नहीं है? जब जब वो पीड़ित पीड़ित नहीं है सर। देखिए प्रश्न ये है, विपक्ष लोकतंत्र में विपक्ष जीवित रहना चाहिए और वहाँ अभी ऐसी आफत नहीं आई है। अच्छा, बंगाल में जो लोगों की मौत हो रही है वो आफत नहीं है सर, आप ये बोल रहे हैं? क्यों बात को काट रहे हैं? ठीक है सर, कंप्लीट करें। तो कंप्लीट कर हाँ, करिए। वहाँ ऐसी आफत अभी नहीं आई है कि विपक्ष पूरी तरह से मृत प्राय हो गया है। अगर ये घटनाएं हो रही तो उस घटनाओं को मजबूती से उठाया जा रहा। उत्तर प्रदेश में एक तरह से विपक्ष मृत प्राय है। अच्छा? जिस मजबूती से उठाया जाना चाहिए वो नहीं उठाया जा रहा। और आप प्रियंका की बात करें, अगर प्रियंका न गई होती तो आज ये बात उभर करके न आती कि एक महीना डेढ़ महीना पहले ये सारी घटना मालूम है। और जांच, एक सेकंड, जांच जांच की एक प्रक्रिया होती है जिसको वाइकेरियस बोलते हैं। उसमें ये होता है कि अगर आईजी जांच करता है तो उसके अंडर जो डीआईजी आता है उस तक कार्रवाई होती है। अभी सरकार क्या बता रही है, सीईओ को हटा दिया, एसडीएम को हटा दिया, उसके नीचे के पुलिस कर्मियों को हटा दिया। नवीन जी जवाब दीजिए, प्रियंका जी गई है उनके खिलाफ एफआईआर हुई कि नहीं हुई है? डीएम हटाए गए कि नहीं हटाए गए? एसपी हटाए गए कि नहीं हटाए गए? नवीन जी जवाब दीजिए। देखिए उस घटना पर तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडलायुक्त और एडीजी वाराणसी जोन के नेतृत्व में एक टीम भेजी थी और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मंगाई थी कि प्रथम दृष्टया कौन लोग दोषी हैं, और उनकी रिपोर्ट के आधार पर सीओ से एसडीएम और सारे अधिकारी हटाए गए। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रमुख सचिव राजस्व के नेतृत्व में एक टीम गठित की है जाँच करने के लिए, जो विस्तृत जाँच करेगी कि इसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों को लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, डीएम की क्या भूमिका है और प्रशासनिक में पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका रही है, इसका और 10 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं राणे जी को भी और सारे आपके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, देखिए अपराध हुआ है, घटना हुई है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन हम पिछली सरकारों की तरह नहीं है कि अपराधी कितने प्रभावशाली हैं, किस जात के हैं, किस पार्टी के आधार पर कार्रवाई करें। इसलिए आप आंकड़े पेश करते हैं, लेकिन आंकड़ा पेश करना किसी अपराध से कम ज्यादा नहीं बताता। खतरों से पता चलता है कर रहे हैं, लेकिन पिछली सरकारों की तरह नहीं है कि जवाहर बाग में आप मथुरा का जवाहर बाग याद रखिए, जहां देश की सेना की सबसे बड़ी स्ट्राइक कोर बन रहती है, वहां पर हजारों लोगों को लेके शहर के बीचों बीच दो वर्ष का जवाब दीजिए। बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी ना हो जाए सर, इस पे जवाब दीजिए। अभी जो ये मैटर चल रहा है मैं आपके पास आऊंगी, घटना घटी है, हम उस पर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी अधिकारी चाहे वो डीएम हो चाहे पालो, ये क्यों बताने लगते हैं कि ये 1955 का मसला है? क्या जवाहरलाल नेहरू आके चीजों को सही करेंगे सर? ठीक है सर, आपके पास भी वापस आऊंगी। हम जवाहरलाल नेहरू को नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ये जवाब देना पड़ेगा क्या देश में माओवाद नक्सलवाद क्यों पैदा हुआ, क्या कारण था माओवाद नक्सलवाद का, सत्ता में लेकर आया क्या, जिम्मेदारी थी किनकी, सरकारें थी? आप एक बात बताइए, ठीक है वीरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं सर, वापस आऊंगे आपके पास। नक्सलवाद फैला, माओवाद फैला, वो किसकी देन थी? आज ये समस्याएं जो खड़ी हैं वो किनकी देन थी? हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, हम एंटी भू माफिया सेल बनाकर 40 अरब से अधिक की संपत्ति हमने जब्त की है। ठीक है वापस आऊंगे नवीन जी। मूल बात लेकिन ये है कि पिछले 2-2.5 साल से बीजेपी की सरकार है और राजस्व के तमाम मामले कोई सोनभद्र पहला नहीं है, हर जिले में जमीन संबंधी विवाद है, गांव-गांव में है, लेकिन समस्या यह है कि न तो पुलिस उस पर ध्यान देती है और न राजस्व न्यायालय या जो तहसील प्रशासन है। जब मारपीट हो जाती है तो पुलिस 151 करती है या NCR दर्ज कर लेती है, वो उसमें भी एकाध पक्ष से पैसा खा जाती है। समस्या मूल यह है कि जब मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि 9 से 11 तक जिलाधिकारी, DM, SP और SDM, CO सब लोग बैठे, थानेदार और समस्याओं का निस्तारण करें जो प्रार्थना पत्र आता है, तो ये हफ्ते में कितने मामले निपटाते हैं ये अधिकारी, महीने में कितने दिन ये रात्रि प्रवास करते हैं और कितनी समस्या खत्म करते हैं? देखिए ये सब एक ऐसी चीज़ है कि ये अंतहीन सिलसिला है, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। किसी एक अधिकारी को पेन लेके ये जमीन के मामलों को, राजस्व के मामलों को जड़ से मिटाना होगा, उसके लिए गांव में जाना होगा, फोर्स भी ले जाएं, तहसील प्रशासन भी ले जाएं, नाप जोक कराएं,
कम से कम खूनी संघर्ष रोके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है मनोज जी, जिस प्रकार से देखिए जमीनी विवाद ऐसा नहीं है, भारत समाचार पर हमेशा अक्सर खबरें दिखाते हैं, एक मौतें दो मौतें तो आम बात है, हर दूसरे दिन की ये कहानी है। ये मसला इतना बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि 10 लोगों की एक साथ हत्या कर दी गई, इसलिए सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। आज की 10 मौतों की घटना है सर, आज 10 लोगों को जो मारा गया है वो लोग अभी घायल हैं, तो इसलिए ये मैटर शायद उतना ज्यादा हमने दिखाया है भारत समाचार पर, ये खबर भी आज का भी एक मसला है। तो सर क्या लगता है जमीनी विवाद जो है इस तरह से कब तक चलता रहेगा? देखिए एक बात तो बड़ा स्पष्ट है, इस देश में चूंकि सरकारें लोकतंत्र में आती है जाती है, असली चीज है कि जो देश की बुनियादी बातें हैं, बुनियादी बातों को हम जब तक ठीक नहीं करेंगे, नक्सलवाद, माओवाद, और सबकी जड़ में एक बात है वो है गरीबी बात, और इस देश में जब तक गरीबी का उन्मूलन नहीं होगा, गरीब जो है गरीबी से दूर नहीं होगा, और गांव गरीब और किसान और खेती इसकी ठीक से पैमाइश नहीं होगी, जिसकी जमीन हो उसका जमीन पर हक नहीं मिलेगा, एक और दूसरा जो पुलिस की हमारी व्यवस्था है जो अंग्रेजों ने बरतानिया हुकूमत ने बनाई, सरकारें बहुत आईं बहुत गईं, अब जो भी सत्ता में होता है वो अपनी बात करता है, जो सत्ता से विपक्ष में चला जाता है फिर उसको सारे ज्ञान पैदा हो जाते हैं, वही व्यक्ति फिर विपक्ष में जाता है तो उसका ज्ञान फिर अलग ज्ञान जग जाता है, इस ज्ञान से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान जब तक अस्थाई रूप से गरीबी और देखिए माओवाद और नक्सलवाद, ये अनइक्वलिटी जो असमानता है उसके कारण है, तो देश में सबसे ज्यादा जो आवश्यक है पक्ष विपक्ष सबको एक साथ मिल बैठकर अगर आगे आने वाली घटनाओं को रोकना है तो सभी लोग मिल बैठकर, क्योंकि सभी जो लोकतंत्र में जितने पक्ष विपक्ष के लोग हैं सभी लोग बड़े होशियार होते हैं और कानून बनाने में सबकी भूमिका होती है, ऐसा कानून बनाए और सभी लोग एक साथ मिल करके ऐसी व्यवस्था करें कि जो भी, क्योंकि देखिए निलंबन करना बर्खास्त करना ये समस्या का समाधान कुछ क्षणिक हो सकता है लेकिन अस्थाई नहीं हो सकता। अस्थाई समस्या के समाधान के लिए अस्थाई रूप से कानून बनाना पड़ेगा, अस्थाई रूप से असमानता दूर करनी पड़ेगी, और ये प्रयास करना पड़ेगा कि वहां के जो लोग जो बाहर से आए हैं जो उन गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हो उनको चिन्हित करके उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी। ठीक है बिल्कुल गौतम जी, देखिए एक चीज तो तय है कि जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम हुआ है, विपक्ष ऐसा लगा था कि ये मामला जो है वो बीजेपी जो है वो हैंडल कर रही है अपने तरीके से, गिरफ्तारियां हो रही हैं, खुद योगी आदित्यनाथ भी सामने आए, उन्होंने भी इस पूरे मसले पर बातचीत रखी, प्रियंका गांधी आई, रुख एकदम से बदल गया, जो नेता जो और भी अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं और आपकी पार्टी के भी जो लोग हमेशा ये दम भरते हैं कि यूपी उनका है, लोग उनके हैं, वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे। निश्चित तौर पे खुशबू, चूंकि प्रियंका अगर इतनी बड़ी परिवार से न होती और इतनी बड़ी नेता न होती तो शायद उनकी भी बात दबा दी गई होती। हमारे वहाँ के जो रूबी प्रसाद ने चुनाव लड़ा था और इसके बाद जिला कमेटी और मंडल की कमेटी गई थी, वहाँ जाने नहीं दिया गया, उनके रिप्रेजेंटेशन ले लिए गए और इसके बाद चूंकि मीडिया हाइप नहीं मिल पाया तो हमारी बात नहीं आई। जो मेन पहलू जिस पे हम बात कर रहे हैं, जो जांच का मेन विषय होना चाहिए, मेन विषय है प्रभात कुमार मिश्रा जो सीनियर आईएएस हैं, उनकी वाइफ आशा मिश्रा, कि जब उन कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे उनको जमीन अलाट हुई थी तो उनके बेटी और पत्नी के नाम पे कैसे चली गई, नंबर एक पॉइंट। दूसरा, फिर उनको हक कहाँ से मिल जाता है, वो दो साल पहले उसको बेच देते हैं, 2017 में उसको बेच देते हैं, जब और जब ये किया है इसके बाद उन्होंने जो इस प्रधान को बेचा है यज्ञदत्त को, तो निश्चित तौर पे प्रकरण यह है कि उन्होंने जब उसने कहा होगा कि आप मेरा पैसा दीजिए मैं जमीन पे कब्जा नहीं कर पा रहा हूं, तो निश्चित तौर पे उन आईएएस महोदय ने डीएम या एसपी को फोन किया होगा, बकायदा बात की हो गई, तब एक घंटे का मौका मिला है कि एक घंटे में जो तांडव कर सकते हो करो, उससे पहले मौका न मिलता। जांच का विषय वो है, बाल न पकड़िए, जब तक गला नहीं पकड़ेंगे अपराध कम नहीं होगा। मतलब एक छोटी सी और बात करते हैं, ये कहा जाता है कि सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि जब भी चींटी के चचेरे भाई ऊंट का गर्दन खजलाने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसा ही परिणाम आएगा, उससे दूर हटिए, थोड़ा सा ईमानदार बनिए, ईमानदार बनिए थोड़ा सा नवीन जी। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसने आपके लॉ एंड ऑर्डर की तो पोल खोल कर रखी दी है। निश्चित रूप से घटना हुई है और लॉ एंड ऑर्डर तब माना जाता कि पूरी तरह से सफल नहीं है जब हम कुछ कार्रवाई नहीं कर पाते। हमने 27-29 लोगों को गिरफ्तार भी किया है बाकी और इसीलिए प्रमुख सचिव राजस्व
नहीं मैं बता रहा हूँ, और उसी 170 की तलाश में तो सोनभद्र की पुलिस लगी है, तो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश प्रियंका गांधी कर रही है। अच्छा हम और प्रमुख सचिव राजस्व के नेतृत्व में जो कमेटी गठित की गई है, ये हुई बात है। आपने सर देखो 24 घंटे से ज्यादा का वक्त खींच लिया, हम यही कह रहे हैं आप चाहते तो आप आधे घंटे में लगता है कि ये अधिनायकवादी लोग हैं और अधिनायकवाद किसी विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये दर्प बोल रहा है इनका, ये दम्ब बोल रहा है, यही तो कह रहा है कि लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। दर्द आपका बोल रहा है जिसको जनता की अदालत में सुनने मिला है, सुनना मिला है जनता की अदालत परीक्षा में जिसको सुनने मिला है, और सुनने का कारण है आप भी जिस पार्टी की सरकार में थे, हजारों लोग हथियार लेके मथुरा में कमाल बाग में बैठे थे, आपका प्रशासन क्या कर रहा था? हमने कार्रवाई की है, 30 लोगों को गिरफ्तार किया, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और प्रमुख सचिव राजस्व के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई है कि अन्य किन अधिकारियों की इसमें संलिप्तता के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद, आप बोल रहे सुप्त सुप्त जन धन्यवाद चलनियों बोले कि हो सकता है आप समाजवादी पार्टी के गुंडे लोग बोलेंगे जिन्होंने जवाहर बाग से घटना की जिसके नेता तो कहां पर हमको जीरो दिया है, यह मुकदमा कायम हो रहा है, जमीन कब्जा करने का करते हैं, और ये कहते हैं कि जो कमियां रह गई उस कमियों को दुरुस्त करेंगे। हम कार्रवाई कर रहे हैं और यही लोग निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, हम बिना भेदभाव के कार्रवाई कर रहे हैं, आपकी सरकारों की तरह से नहीं कि अपराधी किस जाति का है, कितना प्रभावशाली है। मुजफ्फरनगर में 300 के मुजरिमों को थाने से छोड़ दिया गया, मतलब में पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश जल गया। आप अभी याद करिए बैंक इम्प्लाई की इलाहाबाद में हत्या हो गई, रेलवे इम्प्लाई की धूमनगंज के निवासी की हत्या हो गई, बाराबंकी में एक लड़के को वो अपने ससुराल साइकिल से जा रहा था, कुत्ते उसको दौड़ा लिए तो जाकर के एक झोपड़ी में छुप गया और 5-6 लोगों ने आकर के चोर चोर करके उसको मार डाला। ये है कानून का बिल्कुल डर खत्म हो गया आपके यहाँ, कानून का डर खत्म हो गया। सवाल क्या जवाब दीजिए? ये लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम कानून व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं, आपका दुख समझ रहे हैं, जनता ने आपको जो निस्तनाबूत कर दिया है, आपकी बौखलाहट बता रही है, और आपकी ये बौखलाहट बता रही है कि आप तो गए नहीं, प्रियंका गांधी वहां पहुंच गई, तो चलो प्रियंका की पूछ पकड़ के हम वैतरणी पार हो जाएं। अब मोदी और योगी के नेतृत्व की सरकारों में आप लोग किसी वैतरणी को पार नहीं करने वाले हैं, आपके भ्रष्टाचार का, आपके जातिवाद का, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता ने 14-17 की संपत्ति जब्त की है। आप गृहवान में झांक कर देखिए, हमारी सरकार बहुत ईमानदारी देने से पारदर्शिता से काम कर रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इससे काम नहीं बनता, विश्वास जीतना पड़ता है। भ्रष्टाचारियों को आप ऐसे जातिवाद, अरे वारे भ्रष्टाचार के शिष्टाचारियों, वारे भ्रष्टाचार के शिष्टाचारी, मुकुल राज टीएमसी में रहते हैं भ्रष्टाचारी, और बीजेपी में आ जाते हैं शिष्टाचारी, वारे भ्रष्टाचार के शिष्टाचारियों, प्रणाम है आपके शिष्टाचार को। वीरेन जी, इन तमाम चीजों में देखिए एक चीज तो तय है वीरेन जी, कि अगर ये लोग चाहते, बीजेपी चाहती तो आराम से इस पूरे मैटर को, ठीक है ये जांच कर रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन प्रियंका गांधी का जो मैटर था वो इतना ज्यादा बढ़ने ही क्यों दिया? कहीं ना कहीं बीजेपी का फेल्योर ही है ना, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कह रहे हैं। मैं दो बिंदु कहूंगा जी, एक तो अफसरों के प्रति जो सरकार का मोह है उसने खूब किरकिरी कराई है सरकार की, डीएम एसपी भी जिम्मेदार है, उनके खिलाफ भी निलंबन कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, प्रियंका गांधी को स्पेस देकर जिस तरह से कल से उन्होंने पूरे मीडिया में और वहां पर मिर्जापुर के इलाके में वहां पर जमी है वो, और तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीतिक चूक है। बिल्कुल। और सरकार के जो अधिकारी है या मंत्री हैं इनको भी अपनी एक रणनीति बनाकर प्रियंका गांधी को किसी तरह से यहाँ से दिल्ली वापस भेज देना चाहिए। इस मामले में जितना हवा बनेगा, जितना आंदोलन बढ़ेगा, उसका लाभ तो कांग्रेस लेगी। आज सपा बसपा दोनों मैदान से बाहर है, तो कांग्रेस बीजेपी के सामने अपनी चुनौती पेश करेगी कि हम आपसे लड़ने आए हैं। हम बात दिल्ली से कोई चल के आया है, कांग्रेस की बड़ी लीडर है प्रियंका, और उनको राष्ट्रीय मीडिया फॉलो कर रहा है, तो बीजेपी को भी चाहिए कि वो जितनी जल्दी हो इस मामले को खत्म करे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं सवाल बहुत अहम है कि ये बीजेपी की रणनीतिक चूक है, चाहे बीजेपी इसे माने या ना माने, सोनभद्र के सहारे प्रियंका गांधी ने एक बड़ा लॉ दिया है, और पीड़ितों से मिलकर जो उन्होंने
उन्होंने कहा था वो उन्होंने कर दिया है। बहरहाल देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।